यस सर। चलिए अब लिखिएगा आगे। ओव्यूल इज एन आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा। ओव्यूल इज ऐसे एन आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा। इससे पहले मैंने लिखा था एंड फाउंड इन 88% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, है ना। ध्यान होगा ऑर्थोट्रॉपस बहुत कम मिल रहा था, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप था। एनाट्रॉपस बहुत ज्यादा तो मिलता फिर से है। बोलिए तो ओव्यूल इज एन लिख दिया हूं स्क्रीन पे। ओव्यूल इज एन आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। ओव्यूल इज एन आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट पॉइंट, ईच ओव्यूल इज अटैच। अच्छा ये एनाट्रॉपस के लिए नहीं लिख रहे। ओव्यूल इज एन आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा एनाट्रॉपस के लिए नहीं लिख रहे, वो खत्म हो गया, उसके आगे लिख रहे हैं। ईच ओव्यूल, ईच ओव्यूल इज अटैच्ड, ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट्स प्लेसेंटा, टू इट्स प्लेसेंटा बाय ए स्टैक नोन एज बाय अ स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल। अगर आपको ये डायग्राम याद आ रहा हो बेटा, देख रहे हो फ्यूनिकल, ये पूरा पूरा ओव्यूल क्या है, प्लेसेंटा का आउटग्रोथ। उसके बाद हमने लिखा ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड है। ओव्यूल ये पूरा ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल है। तो ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड है थ्रू अ फ्यूनिकल, ये पूरा ओव्यूल है जो कि इधर कहीं प्लेसेंटा रहा होगा उससे अटैच्ड है इस फ्यूनिकल के थ्रू। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। तो एक बार लिखो जल्दी से, ईच ओव्यूल इज अटैच्ड यस टू सर। इट्स प्लेसेंटा बाय ए स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल ऑफ द फ्यूनिकल विथ ओव्यूल इज कॉल्ड विथ, ऐसे करो विथ द बॉडी, विथ द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। अगर आपको ध्यान हो बेटा, हाइलम क्या था, हाइलम क्या था, हाइलम, हाइलम अगर आप इस डायग्राम में देखिए, देखिएगा जरा ध्यान से, ये है फ्यूनिकल जो कि इधर से प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, इधर कहीं प्लेसेंटा रहा होगा। तो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल जहां पे ओव्यूल के बॉडी से कनेक्ट हो रहा है, फ्यूजन पॉइंट जो है उसको क्या बोल रहे हैं, समझ गए बात, नहीं समझे बताओ। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कनेक्टेड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल जहां पे ओव्यूल के बॉडी से फ्यूज हो रहा है उस जगह को बोल रहे हैं हाइलम। स्टेटमेंट पढ़िएगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी, क्योंकि वो एक पॉइंट पे नहीं हो रहा, पूरे बॉडी पे से फ्यूज कर रहा है। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। बताइएगा कोई कष्ट परेशानी इस लाइन में, कोई कष्ट परेशानी, बोलो बोलो बोलो, पक्का ना, किसका यस सर। मैसेज आ रहा भाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समटाइम्स समटाइम्स फ्यूनिकल गेट्स फ्यूज विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल। वैसे एक लाइन एक्स्ट्रा है, कलर चेंज ही कर देता हूं। समटाइम्स फ्यूनिकल गेट्स अटैच्ड, समटाइम्स फ्यूनिकल गेट्स अटैच्ड या गेट्स फ्यूज करूं,
गेट्स फ्यूज्ड विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल इट्स फ्यूज विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल अलोंग वन साइड अलोंग वन साइड एंड फॉर्म्स अ रिज, रिज मतलब गड्ढा, एंड फॉर्म्स अ रिज कॉल्ड राफे, क्या बोलते हैं? राफे, ठीक है। नेक्स्ट, द बेसल रीजन ऑफ द ओव्यूल, द बेसल रीजन ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चलाजा। ओव्यूल का नीचे वाला रीजन को अपन बोले थे चलाजा। देखो डायग्राम, ओव्यूल का नीचे वाला रीजन क्या कहलाया? चलाजा। स्टेटमेंट देखिएगा फिर से, द बेसल रीजन ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चलाजा। हो गया, यहां तक हो गया हो तो चेंज करें पीपीटी, मतलब स्लाइड, ठीक यस सर, है। यस नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसिलस। मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसीलस। क्या बोलते बेटा उसको? न्यूसीलस, मेन बॉडी को न्यूसीलस बोलते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ, विच कंसिस्ट ऑफ ए मास ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू, देखो पेरेन्काइमेटस क्यों बोले? क्योंकि इसके पास एबिलिटी टू डिवाइड अभी भी था, न्यूसिलस डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल को न्यूसिलस बोलते हैं, जो कि क्या है, उसके अंदर मास ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, विच कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू, और इसीलिए सेल्स ऑफ न्यूसिलस, क्योंकि ये खुद ही डिवाइड कर सकता है, हैव एबंडेंट फूड रिजर्व, एबंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है। मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसिलस विच कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू, सेल्स ऑफ न्यूसिलस हैव एबंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है। बहुत ज्यादा होता है उनके पास, खूब सारा फूड रिजर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको दिखाऊंगा भी। द न्यूसिलस इज इन्वेस्टेड, न्यूसिलस इज इन्वेस्टेड, न्यूसिलस इज इन्वेस्टेड, देखो न्यूसिलस वाला डायग्राम देखो पहले, फिर समझना। इधर डायग्राम देखिएगा, न्यूसिलस दिख रहा है आपको? अब देखो न्यूसिलस हर तरफ से कवर्ड है, और दो रिंग ऑफ इंटेग्यूमेंट है, यानी दो रिंग ऑफ कवरिंग है, एक इनर वाला और एक उसके ऊपर आउटर, दिखा। और यस सर, इस दोनों ही इंटेगमेंट पे, चाहे इनर हो या आउटर, ऊपर में टॉप पे एक पोजिशन खाली है, दिख रहा है, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोपाइल। मिला माइक्रोपाइल, देखो माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर पोल, मिला।
अरे बोलो यस सर। बस, सर चलिए यस यही सर। यही तो लिखना है, उसके बाद फिर आगे बताऊंगा। न्यूसिलस इज इन्वेस्टेड ऑल अराउंड बाय वन और टू न्यूसिलस इज इन्वेस्टेड ऑल अराउंड बाई वन और टू रिंग लाइक कवरिंग वन और टू रिंग लाइक कवरिंग कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। द न्यूसिलस इज इन्वेस्टेड ऑल अराउंड बाई वन और टू रिंग लाइक कवरिंग कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स एक्सेप्ट एट द एपेक्स। एपेक्स यानी बताओ, एपेक्स का मतलब ऊपर में, क्या? टॉप। यस, एक्सेप्ट ऊपर में एट द सर। एपेक्स वेयर अ स्मॉल ओपनिंग वेयर अ स्मॉल ओपनिंग वेयर अ स्मॉल ओपनिंग इज फाउंड विच इज नोन एज माइक्रोपाइल। अभी अभी हमने देखा माइक्रोपाइल क्या होता है, ठीक यस सर। है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोपाइल के बाद लिखेंगे द प्लेसेंटल और फ्यूनिकुलर आउटग्रोथ। द प्लेसेंटल और फ्यूनिकुलर आउटग्रोथ द प्लेसेंटल और फ्यूनिकुलर आउटग्रोथ प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड या इज कॉल्ड करो ऑर्बिटरेटर। ये एक्स्ट्रा है, अभी नहीं मिलेगा, पीवाईक्यूज में दिख जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिटरेटर, ठीक है। और इसका काम क्या है भाई साहब? इट डायरेक्ट्स द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। इट डायरेक्ट द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। ठीक है, इसका काम क्या होता है भाई साहब? जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर आ रहा होता है ना, तो उसको यही गाइड करता है कि अच्छा यहां आना है, ऐसे मुड़ना है, ऊपर जाना है। ये सब काम किसका है? ऑर्बिटरेटर। ठीक है, तो प्लेसेंटर और फ्यूनिकुलर आउटग्रोथ जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। माइक्रोपाइल यानी टॉप। काम क्या है उसका? वो उसका सिंपल एक ही काम है कि वो भाई साहब आउटग्रोथ जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे है उसको ऑर्बिटरेटर बोलते हैं, और जब वहां से पॉलन ट्यूब ग्रो करता हुआ नीचे आता है तो उस पॉलन ट्यूब के डायरेक्शन को डायरेक्ट करने का काम किसका है? पॉलन ट्यूब को डायरेक्ट करने का, किधर मुड़ना है, ये काम है ऑर्बिटरेटर का। चलिए यहां तक मैं किसी का कोई कष्ट परेशानी तो बताइए, एक बार देखूं। मैक्सिमम लोग का तो कैमरा ही बंद हो चुका है। समझ में आ रहा है खुशे? क्या बात है, खुशी का रिएक्शन देखो, नींद टूटा अभी। गर्मी लग रहा है? ठीक, गर्मी का ही मौसम है। कुछ पूछने का मन कर रहा है। इनका कैमरा बंद है, उन लोगों में से पूछता हूँ, देखता हूँ जगे सोए। सर ये लाइन सृष्टि, एक बार फिर से समझाइए ना। इसको समझना है।
ये लाइन जो अभी लिखवाए थे सर, मेरा मेरे फोन में आवाज नहीं आ रहा था आपका, वाह, अभी मेरे आ को रहा, उस कनेक्शन वक्त नहीं आ रहा था। ही सर, उससे मैं कनेक्शन ही हट गया था, फिर से कनेक्ट किए तो आवाज आया। ठीक है, सुनिएगा फिर ध्यान से। जब पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा होता है और ग्रो करके जा रहा होता है ओव्यूल के अंदर, तो अगर आपको याद आ रहा हो, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तीन पार्ट था ना, फीमेल पार्ट या यस गाइनोइशियम सर, का, तो स्टाइल से होते हुए जैसे ही वो ओवरी में एंटर करा, तो तुम अगर ध्यान दो इस डायग्राम को देखना जरा, आपको क्या लगता है इसमें बहुत सारा गोल घुमाव है ना, पहले नीचे आया फिर ऐसे गोल घूमा और नीचे आने के बाद फिर ऊपर, हाँ ऐसे ही ना फ्यूज करता यस है। सर, अच्छा, उसके पास आंख तो होता नहीं, पता कैसे चलता कि यही मुड़ना है? कोई तो होगा जो उसको बता रहा होगा, है ना? तो यस सबसे सर, मेजर तरीका क्या है, ये जो फीमेल वाला पार्ट है वो उसको गाइड कर रहा होता है, दैट फीमेल पोर्शन गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब गाइनोइशियम खुद ही गाइड कर रही है कि भाई सब जल्दी आ जाओ। अब वो जो आ रहा है, ये नॉर्मल अक्सर जब हम इसको पढ़ाते हैं ना, तो वो ह्यूमन मैरिज, इंसानों का शादी वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, बड़ा बढ़िया से सूट भी करता है इसको। पॉलन ट्यूब वो दूल्हे राजा है ना, और जो ओव्यूल है वो लड़की का पूरा परिवार, क्योंकि वो अकेले नहीं होती, कभी भी दुल्हन तो अकेले नहीं दिख जाएगी ना, हो ही नहीं सकता है, पूरा खानदान घेरे हुए होता है। तो ओव्यूल अगर आप देखोगे, आगे आप पढ़ोगे भी, तो ओव्यूल में बहुत सारे सेल्स हैं, एक सेल नहीं है, बीच में होता है एक एक सेल, उसके अलावा ऊपर में तीन एंटीपोडल, नीचे में दो सिनर्जिड, पूरा उनका खानदान होता है। अच्छा, जब ये बारात आ रहा होता है, तो अगर आपको ध्यान हो, कभी बारात में ऑब्वियसली गए ही होंगे, है ना, इतना तो काम करे हो ना जीवन में, किसी ना किसी बारात में गए हो। चलो ठीक है, जीवन धन्य हो यस गया आप सभी का। तो अगर आप बारात में सिर्फ खाने के पर्पज से नहीं गए हो, सोच के गए हो कि हाँ कुछ और भी काम करना है, एंजॉय भी करना है, कुछ लोग तो सोच के जाते हैं कि अच्छा ये वाले क्या है खाने में, किसी से पूछ लिए, चिकन है, दौड़ मार, ऐसा गोलगप्पा है, नहीं है बस, तो फिर ध्यान एक आदमी को खड़ा कर देते हैं कि देखते रहना भाई, कैमरा वाला नहीं पहुंच जाए, वो अलग ही नजर रखे होता है, जो ज्यादा खाए वहीं मुंह पर डाल दो, सामने वाला छोड़ देगा खाना, तो कैमरामैन से बच बचा के लोग गोलगप्पा पे टूट पड़ते हैं। और जब टूटे हुए होते हैं तो वो बाकी कुछ ध्यान ही नहीं होता। तो खैर चलिए, मेरा पर्पस उससे नहीं है, मेरा पर्पस उस बारात से है, खाने वाले लोग पे हम ध्यान नहीं दे रहे अभी। तो अगर आप बारात ध्यान से देखिएगा, तो कुछ लड़के वाले के फूफा चाचा ऐसे वाले एकदम वैसे प्राणी जो वहां आए ही होते हैं ऑर्डर देने के लिए, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, वो सिर्फ ऑर्डर देंगे और कुछ नहीं। बुआ तो चलो चार काम में से एक काम कर भी देंगे, ऑर्डर देंगे ठीक है, बट एक आध काम निपटाएंगी भी, फुफा जी एक भी काम नहीं निपटाने वाले हैं, सिर्फ ऑर्डर देने आए हैं, सोच के आए हैं कि जा रहे हैं हुक्म चलाने बस। अच्छा, एक आध लड़की वाले साइड से भी होते हैं वैसे ही। तो जब बारात जा रहा होता है, तो एक या दो लोग तो पक्का पक्का ट्रैफिक पुलिसमैन बने हुए होते हैं, है ना, इधर से चलिए, यहां मुड़िए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बहुत नाच लिया, अरे आगे बढ़ा भाई, ये वाले लोग। ये सेम चीज इस पूरे मूवमेंट में भी होता है। अगर आपको याद आ रहा हो, तस्मिया ये तुम हो, सुनते ही निकल, ठीक, तो जैसे ही मान लो आप आगे बढ़ रहे होते हो, तो दो तरह से गाइड होता है पॉलन ट्यूब, आखिरकार उसको पता कैसे चलेगा बारात जाएगा किधर, तो एक तो रास्ता बताते हैं पॉलन ट्यूब में। अगर आपको याद आ रहा हो, तीन सेल्ड स्टेज था, याद आ रहा थोड़ा भी, थ्री सेल्ड स्टेज, दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल, याद आ रहा है, गलती से भी पलट लिए होगे तो याद आ जाएगा, यस सर, पाप कर दिए होगे फिर भी याद आ जाएगा, चलो याद आ गया, लाख लाख शुक्रिया ऊपर वाले का, कम से कम एक को तो याद है कि अपन कुछ ऐसा पढ़े थे। तो एक जो उधर वेजिटेटिव सेल था ना मेल वाले साइड से, वो भी गाइड करता है फीमेल वाले साइड से। देखो ऑब्वियसली लड़का लोग बारात लेके जाना, तो सिर्फ रास्ते का ही पता है, अब लड़के को गाइड दो जगह और करा जाएगा, एक तो जब हाईवे, हाईवे तो चलो मान लो
कोई अपना गांव बताओ जो पटना से थोड़ा दूर हो, थोड़ा दूर मतलब कम से कम 1 घंटा तो चलना हो गाड़ी से, कोई है ऐसा? कोई नहीं, इसका गांव थोड़ा दूर हो ले, सब पटने का है। 5-6 घंटा वाले वाला, हाँ सर 5 6 घंटे वाला। हाँ कहाँ पे हो? वहीं अटैक करते हैं। नालंदा। नालंदा, और ये क्या बोल रही थी? बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। तो ये भी तो बगल में है, कौन सा दूर है? 5 6 घंटा थोड़ी लगता है, पैदल थोड़ा ही जाना है। हाँ तो बारात लो जाने में इतना रुकता है गाड़ी, मत पूछिए। सर चलो ठीक है ना, इसके ही गांव जाना है बारात। हाजीपुर सर, गंगा से तो फंस गया तो लटके रह जाएगी बीच में। खैर किशनगढ़। किशनगंज, ये देखिए भाई साहब, ये तो अलग ही छोर से आ रहा है। ठीक है चलिए, बिहार शरीफ तो बिहार है, तो पहले इस पे अटैक करते हैं। तो नूर फातिमा के यहाँ बारात जा रहा है। अब हाईवे हाईवे से जहां तक जाना है, अबे तेरा शादी नहीं है, बारात जाना है किसी का भी हो खानदान में, ठीक है? चलिए तो बारात जा रहा है हाईवे हाईवे तक, चलो हम बिहार शरीफ तो कोई भी पहुंच जाएगा ना, तो ये गाइडेंस तो कोई भी ड्राइवर कर देगा, और लड़के वाले इतने तो गरीब नहीं होंगे, ड्राइवर तो उनके पास भी होगा। तो बिहार शरीफ तो पहुंच गए, ये काम किया मेल कैमेट, जो तीसरा वाला मेल कैमेट था ना वो, सॉरी तीसरा वाला मेल कैमेट बोल रहा हूँ, वेजिटेटिव सेल, जो तीसरा सेल था पॉलन ट्यूब में, 3 सेल थे, 2 जन सेल, जनरेटिव सेल और 1 वेजिटेटिव सेल। वो वेजिटेटिव सेल रास्ता भर गाइड कर दिया। अब जब पहुंच गए बिहार शरीफ, तो वहां से फोन गया, भाई साहब बारात पहुंच गया, बिहार शरीफ एंटर कर गया है। तो बोले अच्छा रुकी हमारे रिसीव करने, क्योंकि ऑब्वियसली गली गली तो नहीं पता होगा ना ड्राइवर को। तो ये गली गली के लिए उधर से आए कोई फूफा जी, पहुंचे फूफा जी, यानी इस्लाम में क्या बोलते हैं उसको, खाला? नहीं खाला तो मौसी को बोलते हैं, फूफ नहीं, फूफा ही फूफा ही बोलते बोलते हैं हैं, सर, फूफा फूफा ही बोलते हैं, फूफी बुआ, ही। ये हाँ डिफरेंस। तस्मिया को आवाज नहीं आ रहा बेटा, इतना अच्छा कहानी चल रहा है तुम्हारा, बैड लक। खैर तो चलिए फूफा जी आ गए। फूफा जी का काम क्या था? बारात को आगे लेके जाना। चलिए लेकिन फूफा जी लोग का एक और खास, तुम देखोगे वो कभी भी घर के अंदर तक एकदम मंडप तक नहीं पहुंचाते हैं, वो गेट तक ले जाएंगे, जिसको अपन गांव में दूरा या द्वार बोलते हैं, द्वार तक पहुंचा दिए जहां पूरा खानदान जुटा हुआ है, और फिर उसी में वो मिक्स हो गए कहीं ना कहीं अपने एज ग्रुप ढूंढ के। अब वहां से काम शुरू होता है दुल्हन की बहनों का और दोस्तों का, जुत्ता चुराना से लेके गेट तक पहुंचाना, दुल्हन की माँ भी ऑब्वियसली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सुनना, सबसे पहले मेल गैमेट पहुंचा था रास्ता भर, तो तीसरा वाला जो वेजिटेटिव सेल था वो गाइड किया। जैसे ही वो फीमेल वाले पार्ट में इंटर कर गया, जैसे ही वो फीमेल पार्ट में इंटर किया, स्टिग्मा तक पहुंचा होगा, तो स्टिग्मा के रास्ता में ना दोनों तरफ कंपेनियन सेल्स होते हैं, जो फीमेल के साइड के सेल्स हैं वो गाइड करता है, कहां तक पहुंचाएगा? वो एकदम ओव्यूल के नीचे तक पहुंचाएगा। अगला डायग्राम हम लोग जो ड्रॉ करेंगे उसमें बाकायदा हम दिखाएंगे कि ओव्यूल के अंदर क्या होता है। ओव्यूल के अंदर बीच में एग होता है, उसके दोनों साइड में एंटीपोडल सेल होता है। दुल्हन कभी अकेले नहीं दिखेगी, ध्यान देना, कितनों भी गरीब का शादी हो, कितना भी अमीर का शादी हो, दुल्हन अकेले हो ही नहीं सकती है, उनको वहां भी 2 कंपेनियन चाहिए। तो मतलब चला नहीं जा रहा होता उनसे, दो लोग टांग रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो वो हो गए, ये जो दो है ना इनको अपन बोलते हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड, ये सिनर्जिड एक के जस्ट बगल बगल, उनका काम होता है कि जब इंटर कर गया ना पॉलन ट्यूब, वहां पे गाइड करते हैं एंट्री। ये सब नीट का सवाल है, यूं ही नहीं बोल रहा हूं, सब नीट का सवाल है। तो पॉलन ट्यूब का एंट्री जब पहुंचता है ओव्यूल के पास, वहां पे गाइड करता है सिनर्जिड, ठीक है? अब सिनर्जिड से इंटर कर गए, अब वहां पे दो और होते हैं, चार लोग जो यानी चलो इसके आगे का कहानी ना जब वहां पहुंच जाएंगे तब, क्योंकि अब तुमको डायग्राम ही नहीं मालूम तो क्या ही बताएं। बट एग्जैक्टली तुम देखना, ह्यूमन मैरिज एकदम रिजेंबल करेगा, सब कुछ सेम टू सेम होता है। चलिए तो अब यहां तक अगर आपको याद आ रहा हो कि प्लासेंटर या फ्यूनिकुलर आउटग्रोथ जो था वो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, जिसको ऑर्बिट्रेटर बोलते हैं, और ऑर्बिट्रेटर पॉलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर जाने में गाइड करता है, ठीक है? यहां तक बताइएगा, बताइएगा हो गया हो तो चलो अगला लाइन भी लिख ही लेते हैं, निपटा देते हैं आज के क्लास यस को, ये सर, इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, उसको अगले दिन देखेंगे ऑफलाइन में। लिखिएगा लोकेटेड इन द न्यूज लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सर संडे को क्लास होगा तो बॉटनी होगा। हाँ
जूलॉजी भी लेके जूलॉजी आना, लेके वो नहीं आना न्यूमेरिकल आपने? देखेंगे और उसके बाद फिर बॉटनी स्टार्ट करेंगे, पढ़ाएंगे बॉटनी। लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज द एम्ब्रायो सैक, और ये दोनों को बोल रहे हैं अनिसाबाद फुलवारी, दोनों जगह पे बॉटनी होगा। इज द एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हम जो डायग्राम का बात कर रहे थे ना, वो इसी एम्ब्रायो सैक का डायग्राम याद रखना। मेल गैमेटोफाइट तो अपन पॉलन ग्रेन पढ़ लिए, फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रायो सैक, और अभी अपन इसके डायग्राम को भी पढ़ेंगे। तो एक डायग्राम आपको बता देते हैं एनसीईआरटी में से, जो आप बना लीजिएगा। ये हो गया, ये लिख लिए सब लोग। यस सर। ठीक है फिर लिख लिए तो चलो फटाफट से आपको यस सर, थोड़ा करके। क्या करें, एक ही लाइन था उसमें क्या दिक्कत हो रहा है। एनसीईआरटी कहाँ दिख रहा है भाई, एनसीईआरटी कहाँ दिख रहा है, एनसीईआरटी कहाँ चल रही है। जब दिन खराब हो यही होता है। डायग्राम बता दे रहा हूँ एग्जैक्टली, वो डायग्राम हो जाना चाहिए कंप्लीट, अगले क्लास में अपन इसको ही यूज करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी में यहां पहुंच गए कब हैं। लेना है क्या सर? नहीं, आपके बुक में है, हम बस आपको दिखा रहे हैं कहाँ करना है। पेज नंबर 9 देखिएगा एनसीईआरटी का, पेज नंबर 9 नहीं मतलब, हाँ देख सकते हो। देखो एक बार डायग्राम, मेरा स्क्रीन तो पूरा दिख ही रहा होगा हम किस पेज का बात कर रहे हैं। तो सर ओल्ड बुक का बताइए ना पेज नंबर। ओल्ड बुक न्यू बुक चाहिए, हाँ सर, ये दिख गया डायग्राम, छोड़ दीजिए। ये दिख गया, ये 25 वाला तो बना पेज चुके नंबर हैं। में हाँ ये वाला डायग्राम ये देख रहे हो, ये वाला डायग्राम सी वाला, ये सिर्फ वो बनाना है सर, वो बड़ा हाँ वाला। सिर्फ ये, सिर्फ ये, सिर्फ ये, ठीक है। एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए, बाकी अगर ये तो हम क्लास में बनवाएंगे नोट्स के साथ, ये कर लेना ठीक है। चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। सर हाँ संडे जी जल्दी सर, बोलो हम आके, क्यों संडे को नहीं रहेंगे सर। हम हमको कटिहार जाना है सर, अंकल कटिहार जाएंगे। अरे यार चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते, ठीक है डन।